हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आज हम इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द एडमिशन इन द इंजीनियरिंग डिप्लोमा दैट दैट इज इज ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी विच इज इन प्रयागराज जैसे कि दिल्ली में पूसा होता है जहां पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है वैसे ही प्रयागराज में आई आर टी है जहां पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है खास बात क्या है इसकी कि इसमें आप टें बाद एडमिशन ले सकते हैं और इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो भी काफी अच्छा है मीन जनरली

तो आज का हमारा इंस्टीट्यूट है आई आर टी प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी तो सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं तो इंस्टीट्यूट है ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1962 में विद इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम अभी भी यहाँ पर यही प्रोग्राम चलते हैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के द इंस्टीट्यूट ऑफर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन थर्टीन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग थ्री ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑफर करता है इंस्टीट्यूट इन थर्टीन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद सम मैनेजमेंट कोर्सेज जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है पंद्रह दिसंबर से जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है थर्टीर्थ ऑफ अप्रैल टू इसके अलावा जो डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस होगा एंट्रेंस इज ऑन जून इलेवन जून इलेवन को ही सारे एंट्रेंस हैं बस जो उसका वेन्यू है वो अलग अलग हो सकता है जो डिप्लोमा है डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस होगा ग्यारह तारीख को इसके अलावा जो मैनेजमेंट डिप्लोमा है टू ईयर का उसके लिए भी एंट्रेंस ग्यारह तारीख को ही है इसके अलावा जो डेढ़ साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो भी ग्यारह तारीख को ही है तो तीनों जो एंट्रेंस हैं उनकी डेट जो है वो इलेवंथ ऑफ जून 2024 थाउजेंड ट्वेंटी ही है आप देखते हैं इंस्टीट्यूट कोर्स कौन कौन सा ऑफर करता है तो इसमें जो थ्री ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है उसमें डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इसमें तीन ब्रांचेस हैं एक तो स्पेशलाइजेशन है सिविल इंजीनियरिंग इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इसके अलावा मैकेनिकल में पावर प्लांट प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल टूल्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और ट्यूबवेल इंजीनियरिंग तो so, ये सारे जो डिसप्ल है इट इज अंडर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सो टोटल थर्टीन डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं दैट द इंस्टीट्यूट ऑफर्स अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो so इसमें आपको क्लास पास होना चाहिए या तो आपने यूपी से पास किया हो या अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से भी पास किया है तो जो इसमें अदर स्टेट्स के बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कोर्स इसके अलावा जो मिनिमम एज है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इट मस्ट बी फोर्टीन इयर्स मीन चौदह साल एटलीस्ट आपकी एज होनी ही चाहिए जो सेकंड कोर्स आता है इसमें दैट इज टू ईयर मैनेजमेंट डिप्लोमा और तीन फील्ड्स में ये ऑफर होता है कमर्शियल प्रैक्टिस मटेरियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की इंटरमीडिएट दैट इज प्लस टू पास और मिनिमम एज एज लिमिट जो जो है है इसमें हुआ ईयर एटलीस्ट साल तो जो है, वो होनी ही चाहिए इसके अलावा जो मैक्म एज लिमिट है वो कोई नहीं इसके अलावा अगर बात करें वन एंड हाफ ईयर पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और ग्रेजुएट इन एन डिसिप्लिन विद फिजिक्स एंड मैथ्स एज सब्जेक्ट्स इन इंटरमीडिएट मीन या तो आपने डिप्लोमा कर रखा हो या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और आपके टेन प्लस टू में फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए सो so, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं फॉर द वन एंड हाफ ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सो so, ये तीन फील्ड्स में कोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफर करता है इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट में, में और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन में अब देखते हैं इसमें मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा तो जितने भी टेंथ के बाद थ्री ईयर के डिप्लोमा कोर्स हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे जो एडमिशन है वो होंगे इसके अलावा जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं तीन उसमें भी एंट्रेंस होगा प्लस साथ में उसमें इंटरव्यू भी होगा उसके बेस पे जो टोटल मेरिट है वो बनेगी और उस मेरिट के बेस पे जो फाइनल इंटरव्यू भी होगा सिलेक्शन हो है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट की जाएगी इसके अलावा जो वेबसाइट है सारी जो डिटेल्स है या जो आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है ऑन डब्ल्यू 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 डॉट आई आर टी एंट्रेंस डॉट इन साइट पे जाकेगा जाके, ना होगा वहाँ पर क्लिक करके और जो फाइनल फॉर्म सबमिशन है फिलिंग है वो कर सकते हैं जो आपके बेसिक डिटेल्स है फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद अगर बात करें फॉर्म की फीस की तो फॉर्म की फीस है तेरह सौ पचास रूपए फॉर जनरल एस सी एस टी ओ बी सी किसी के लिए भी कोई भी कैटेगरी हो जो फॉर्म की फीस है कॉमन है तेरह सौ पचास रूपये जो रिजर्वेशन रहेगा वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द यूपी गवर्नमेंट इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आप ईडब्ल्यू एस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए सो तो आपके पास जो ईड्लू एस का सर्टिफिकेट है इट शुड बी आफ्टर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इकतीस मार्च दो हजार चौबीस के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपका ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट तभी वो वैलिड होगा अंडर द एडमिशन फॉर ई डब्ल्यू एस कैटेगरी उससे पहले वाले जो सर्टिफिकेट हैं वो वैलिड नहीं होंगे इस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इकतीस मार्च के बाद मेन जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा एक अप्रैल से उस फाइनेंशियल ईयर का ई डब्लू एस का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो क्राइटेरिया फॉर एडमिशन रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट स्कोर इन द एंट्रेंस एंट्रेंस के बेस पे ही जो कोर्स है वो ऑफर किए जाएंगे अब जो एंट्रेंस का सेंटर होगा एंट्रेंस का सेंटर कहाँ कहाँ होगा तो so, सबसे पहली बात तो जो थ्री ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं थ्री ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स के जो सेंटर हैं वो बहुत सारे होंगे वो एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा इसके अलावा जो मैनेजमेंट के एंट्रेंस होंगे मैनेजमेंट का एंट्रेंस सिर्फ जो प्रयागराज का सेंटर है आईईआरटी का वहीं पर प्रयागराज में सेंटर पड़ेगा मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए कोई दूसरा सेंटर उसके लिए नहीं होगा एडमिट कार्ड पंद्रह दिन पहले आ जाएंगे एग्जाम से अब देखते हैं पेपर में आएगा क्या क्या जो स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन का वो कैसा कैसा रहेगा सो टोटल तीन घंटे का रहेगा पेपर एमसीयू टाइप होगा और उसमें पचहत्तर क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन चार मार्क्स का होगा और हर गलत क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है सो so, टोटल जो मार्क्स हैं वो बनेंगे 300. सौ तो तीन मार्क्स का पेपर होगा उसके बेस पे जो मेरिट है वो बनेगी जो अलॉटमेंट ऑफ तो ब्रांच है इट इज एज पर द मेरिट एक बार आपको जो ब्रांच अलॉट होगी उसके बाद दोबारा ब्रांच चेंज नहीं होगी तो जब भी आपको फिल करना है काउंसलिंग तो बहुत ध्यान से करना है जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा इसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल जो टेंथ क्लास की मार्कशीट है उसका ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है वो लगेगा एक आई कार्ड लगेगा ट्वेल्व कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ विच इज पेस्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म जो फोटो आप एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट कर रहे हैं उसकी बारह कॉपीज आपको चाहिए होंगी इसके अलावा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो उसी करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए इकतीस मार्च 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट वो इकतीस मार्च दो हजार चौबीस के बाद का ही बनाना चाहिए इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर बात करें सिलेबस की तो सिलेबस जो है इट इज एज पर द्लास टेंथ तो क्लास टेंथ में जो NCRT या दूसरी स्टेट बुक्स है उसमें जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है वो है तो ये आप देख सकते हैं सिलेबस में मैथमेटिक्स में क्या क्या होगा इसके अलावा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसमें क्या क्या होगा स्पेक्टर्स तो को डाउनलोड करके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल

उसमें जो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है साँगों साँगों जीके जनरल अवेयरनेस इन सबसे क्वेश्चन कर करने के बाद जो जो क्या, क्या होते हैं चलिए देखते हैं so 100 जो लोग भी प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एटलीस्ट जो प्लेसमेंट है वो मिल ही जाती है तो लास्ट ईयर रिकॉर्ड अगर उसको देखें हम तो उस केस में जो मैक्म प्लेसमेंट गई थी वो गई थी सिक्स लैक्स पर एन की इसके अलावा जो मिनिमम प्लेसमेंट थी वो रही थी ढाई लाख पर एन की और जो एवरेज पैकेज गया था एवरेज पैकेज इज थ्री लाख पर एन सो इट इज अ गवर्नमेंट ऑफरिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ हंड्रेड परसेंट कम टाइम में एक ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जहां से आपको एक अर्निंग सोर्स मिल जाए कम टाइम में ही तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा जो रिक्रूटर्स हैं तो रिक्रूटर्स इंक्लूड द वेरियस एम लिस्ट सोलिस आप नाम पढ़ सकते हैं कि कौन कौन इनके रिक्रूटर्स हैं जो स्कॉलरशिप है इट इज एज पर द यूपी गवर्नमेंट सो जो यूपी गवर्नमेंट की साइट है दैट इज स्कॉलरशिप डॉट 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 इन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चलती है वहां से आप फॉर्म फिल करके और जो स्कॉलरशिप पर उसको अवेल कर सकते हैं सो दिस इज द डिटेल अबाउट द आई आर टी सो अगर आप भी एक कम टाइम में एक ऐसा कैरियर जुड़ना चाहते हैं जहां पर आपको कम टाइम में ही ज्यादा सक्सेस मिले सो कैन जॉइन द कोर्स मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल